कितने नंबर आए हैं? 400। अच्छा, स्टार्टिंग से, क्योंकि मैट्रिक जो होता है वो जीवन का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव आर्ट्स लेना है सर। आर्ट्स लेना, किस लिए? रेल IIT करने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTO, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। एक बार फिर से पटना सिटी में अगर देखिएगा तो शिक्षक संस्थान बहुत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अभी हाल ही में देखे हुए हैं कि परीक्षा हुआ है और कदाचार मुक्त ऐसे ही नॉलेज वर्ल्ड में आए हैं, कोचिंग में आए हैं। यहाँ भी चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बच्चियाँ, एक बार फिर से बोर्ड के परीक्षा में परचम लहराने का काम किया है। जब देखा जाता है तो मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ में अगर आप तैयारी करेंगे तो सफलता आपको चूमेगी। आज पूरे मौके पर देखिएगा तो यहाँ संस्थान में संस्था के निदेशक, शिक्षक, छात्र छात्राएं हाथों में मिठाई लेकर तमाम तरह के यहाँ जब देखिएगा तो खुशियाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। क्या नाम हुआ? स्नेहा। स्नेहा, कितने नंबर आए हैं? 400। अच्छा, ये पास कर गई हो, आगे का क्या है, किस तरह का तैयारी करोगे? नीट का तैयारी करना है। अच्छा, किस लिए? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, वाह, आप बताइए। सर, मेरा 383 मार्क्स आया है। हम कॉमर्स लेना चाहते हैं। क्यों? सर, बैंकिंग में सीनियर ऑफिसर बनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, बैंकिंग में सीनियर ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या, बहुत बढ़िया, आप बताइए। सुरभि सर, 370 आया। क्या बनना है, तैयारी क्या करना है? डॉक्टर ही बनना है। साइंस लेके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? आप? साइंस लेना है। बनना क्या है? डॉक्टर। आर्ट्स लेना है। आर्ट्स लेना है सर। आर्ट्स लेना, किस लिए? रेल IIT करने के। अरे वाह, क्या बात है, आप बताइए। BPSC करेंगे। BPSC? यस सर। हम साइंस लेके इंजीनियर बनेंगे। साइंस लेके इंजीनियर बनेंगे। साइंस लेके इंजीनियर बनेंगे। चलिए भाई, साइंस लेकर इंजीनियर बनेंगे, कोई कॉमर्स में, बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे। अभी से ही अगर सफलता, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। संस्था के निदेशक सर, क्या वजह है सर कि इस कोचिंग में लगातार सफलता के परचम फहराते हुए हैं? सबसे पहले तो ये जो अभी 2024 में रिजल्ट है उसके लिए मैं सभी को बहुत सारी शुभकामना एवं उनके आगे की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। सबसे पहले जो मेरे यहाँ से जो रिजल्ट आता है उसके पीछे सबसे बड़ा गार्जियन और अभिभावक का विश्वास, दूसरा कि बच्चों का लगन, कड़ी मेहनत, और तीसरा कि हमारे यहाँ के जो भी टीचर्स हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ा के निरंतर टेस्ट लेके बच्चों को पूरे साल में उनको उस तरीके से तैयार करते हैं कि वो अपना रिजल्ट अच्छा कर सकें और आगे के भविष्य के लिए वो तैयार हो सके। जैसे भी बच्चों ने बताया कि मुझे बैंकिंग में जाना है, कॉमर्स लेना है, मुझे डॉक्टरी की तैयारी करनी है, मुझे BPSC करनी है, तो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैट्रिक जो होता है वो जीवन का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव में उनको तैयार करके आगे के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और आज सारे बच्चे 452, 457, 448, 447, 438, 400, मतलब 400 का रिकॉर्ड विगत जो कई सालों से नॉलेज वर्ल्ड बना के चल रहा है, वो अभी तक बच्चों के मेहनत, लगन, इनके पेरेंट्स का विश्वास और हमारे शिक्षकों का साथ के कारण ये पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है संस्था के निदेशक हैं और काफ़ी बेहतर बात बताए हैं कि बच्चों को अगर सफलता कराना है तो इनकी अभिभावक की अहम भूमिका होती है। अभिभावक के अहम भूमिका के बाद जब आप कोचिंग संस्थान में जब जाएंगे तो वहाँ के जो टीचर जो है पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ में पढ़ाते हैं। SSRTO आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।